हेलो अर्चना। ओए ये अर्चना कौन है? प्रिया बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं? मुहूर्त में तो अभी बहुत टाइम है। मेरा तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए कॉल किया। ऐसा है क्या? जब तुम ये फोन रखोगी तभी तो मैं निकलूंगा। ओए लेकिन ये अर्चना कौन है? हेलो रंजीत, हेलो हेलो, सर क्या हुआ? सर मैडम। क्या हुआ कुमार, आप यहाँ? साहब ने भेजा है मैडम, FIR के लिए रंजीत जी से स्टेटमेंट लिखवा कर लाने को बोला है। अच्छा ठीक है आइए। मैडम रंजीत यहाँ पर आए थे क्या? नहीं देखा मैडम। कहाँ गए होंगे मैडम? साहब को इन्फॉर्म करूं क्या? प्रिया मैडम आप आओगी इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। रंजीत कहाँ है? पता नहीं मैडम, दूर जाएंगे ऐसा बताकर सर चले गए मैडम।
मैडम। रंजीत यहाँ पर आए थे क्या? आए तो थे, लेकिन वापस नहीं आऊंगा ऐसा कह के चले गए। क्या हुआ मैडम? यहाँ क्यों आई हो प्रिया? इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानते हो रंजीत। मैं यहाँ से किस लिए जा रहा हूँ ये तुम जानती हो प्रिया? जानती हूँ, तुम कुछ दिनों में मर जाओगे। तुम कुछ दिनों में मरने वाले हो, इसलिए मुझे छोड़कर जा रहे हो, यही बात है ना? मैं जा नहीं रहा हूँ प्रिया, प्यार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मुझे दर्द नहीं होगा। अगर तुम दूर चले गए तो तुम्हें दर्द नहीं दिखेगा, बस। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ट्राई तो करो, और मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहोगे, ऐसा मुझसे वादा किया था ना? वो वादा निभाना होगा रंजीत। अपने प्यार को और मेरे प्यार को जिंदा रखने की कोशिश तो करो, प्लीज। मैं मजबूर हूँ प्रिया। सर, यही है रंजीत। हेलो, यहाँ कुछ दिख रहा है? प्रिया ने मुझे सब कुछ बताया। बचपन से मैं सबकी नजरों में एक पागल की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। रिलैक्स रंजीत। ये शब्द मेरी जिंदगी से गायब हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। जो किसी को दिखाई नहीं देता वो मुझे दिखाकर ये भगवान चाहता क्या है? मुझे इतनी तकलीफ देकर वो मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहा है? मैं कुछ नहीं जानता सर। What exactly is your problem? मिस्टर रंजीत, मैं समझ सकता हूँ। तो अब आपको किसी के माथे पे नंबर नहीं दिख रहा, बल्कि खुद के माथे पे दिख रहा है, राइट? मैंने अपने करियर में बहुत सारे डिजीज के केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। क्या कह रहे हैं आप? यस, ये रेयर है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप कमजोर हो गए तो उसे आई साइट कहते हैं, वो भी रोगी है। उसे ठीक करने के लिए या तो ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, ये तो जानते ही हैं। और वही आंखों की रोशनी ज्यादा हो गई तो किसी को नजर नहीं आए वो चीज, जब आपको नजर आती तो उसे सुपर पावर कहते हैं। बट स्टिल इट्स एन आई साइट, रोग ही है। इसे कैसे ठीक करना ये पता नहीं होने की वजह से रंजीत एक अंधे का जीवन बिता रहा था। वेरी फ्यू डिसेबिलिटीज और स्पेशल एबिलिटीज। पर सर, हमने सारे टेस्ट करवाए हैं, ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। फिर इनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है सर? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं कोई और बता सकता है। और एक दुख की बात यह है कि जितना मैं जानता हूं, इस रोग का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज यू आर ओनली साइंटिफिकली हेल्थी। लेट मी शो यू समथिंग। लुक एट दिस। ऐसे केसेस में रोग का किससे क्या संबंध है ये हम नहीं जानते, और ना ही उसका सलूशन जानते हैं। कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो भी हम नहीं जानते। एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन वो रोग अपने आप कम हो जाता है और ठीक भी हो सकता है। इट्स मोर देन अ साइंस। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
आपको खुद एक मौका जरूर मिलेगा। आपको अपने आसपास की दुनिया में गौर से देखने पर शायद इसका उपचार मिल सकता है। ट्रस्ट इन गॉड।